सीजर सक्षम का लास्ट था और मम्मी पापा छोड़ने जा रहे हैं। सक्षम आज के बाद मजे आ जाएंगे। तो स्कूल में मिलना था टीचर्स से और मैंने सोचा चलो हम ही, हस्बैंड ने बोला चलो हम ही छोड़ के आते हैं। हाँ सक्षम कैसा लग रहा है लास्ट एग्जाम में? बच्चे ना एग्जाम देते टाइम पे बड़े कंफ्यूज से रहते हैं, कुछ मत बोलो इनसे, वो मैडम जी जो भी लगी हुई है। रोड पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एकदम डर लग रहा है क्या? तो फ्रेंड्स अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ रही हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ ना बच्चों से हमेशा क्लोज रहो, बच्चों के साथ में फ्रेंडली बिहेवियर यही होना चाहिए पेरेंट्स का, जिससे कल भी कोई प्रॉब्लम आए तो बच्चे आपसे शेयर कर पाए और डरे नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे अभी ये कप वगैरह जो है इनको लगा देती हूँ जगह पे, वॉश तो कर लिया था यार, ऐसे ही रखे न्यूटी माँ से जो मिले थे। सासू माँ तो कल इवनिंग में चली गई थी तो सासू माँ को कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी डॉक्टर ने, है ना, जिससे उनको आराम पड़े आँख में, तो देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा। अभी तो कुछ मेडिसिन दी हैं डॉक्टर ने और यहाँ पे ये प्लेटें वगैरह बर्तन बहुत सारे फैले हुए हैं, इनको लगा देती हूँ जगह पे। अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हम लोगों ने, टाइम हो रहे हैं 8:30 बजे से बच्चों का एग्जाम हो जाता है शुरू, इसके अंदर ही रख दूं। सो फ्रेंड्स मैं बच्चों को भी स्कूल छोड़ के आई हूँ और उसके बाद आके मैं थोड़ा सा घर समेटूंगी, घर पूरा फैला पड़ा है। बच्चों को स्कूल छोड़ के आने का टाइम बस वही था, 7:30 बजे निकल गए थे मैं और हस्बैंड। तो मैं कह रही थी बच्चों के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए, आप लोगों के बच्चे भी अगर छोटे हैं, कभी कभी बच्चों को ना क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और आपसे अगर वो ज़्यादा डरते हैं तो फिर वो बताते नहीं है ना। तो कभी कभी टीचर्स की तरफ से, वैसे तो स्टाफ अच्छा होता है, सारी एजुकेटेड और अच्छी एजुकेशन वाली टीचर हैं, या फिर कभी कभी आपस में ही बच्चे एक दूसरे को परेशान करने लग जाते हैं। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो अगर आप अपने बच्चे के साथ में अगर फ्रैंक हो ना तो बच्चे आपको फ्रैंकली बताएंगे, नहीं तो नहीं बताते हैं। तो बस यही, तो मैं आज करके कुछ था सक्षम श्रीजा का, तो मैं आज स्कूल गई थी टीचर्स से मिलने के लिए। और एक स्पीकर है हमारे पास में, उसमें ब्लूटूथ भी चल जाता है और उसमें एफएम भी चलता है, तो हस्बैंड उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक मतलब कनेक्ट करने की। तो एफएम में बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग आते हैं, मैं हस्बैंड से गई देखो कनेक्ट करके, तो उसी बारे में हम दोनों बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वो कोशिश कर रहे थे, तो मैंने उसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश करी, तो यार कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ चला के गाने सुन लो, बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि टीवी बिना बात की चलता है ना, जब म्यूज़िक चलता है तो, जैसे मैं सुबह को आरती चलाती हूँ, हनुमान चालीसा चलाती हूँ, तो अभी मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करके आराम से चला सकती हूँ, है ना। तो ये अच्छी चीज़ हो गई आज मेरे साथ में। तो मैं यहाँ पे कप जमा रही थी और ये फट्टा जो है, मतलब ये जो अलमारी मैंने खोल रखी है, इसमें पैर इसलिए लगा रखा है क्योंकि इसका एक पार्ट थोड़ा सा पेंच लूज़ हो रहा है, वो नीचे को गिर जाता है, शीशा सा जो लगा हुआ है इसमें, तो बहुत दिनों से हो रहा है। ये सोचती हूँ कारपेंटर को बुलाऊं लेकिन हो ही नहीं पाता। मेरे घर की कई सारी चीज़ें ऐसे बिगड़ी पड़ी हैं जिनको मैं सोचती हूँ ठीक कराऊं लेकिन हो ही नहीं पा रही। लेकिन चलो फिर मैं सोचती हूँ चलो वक्त के साथ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं अभी उनको संभाल के यूज़ करती हूँ। अच्छा मेरे साथ में ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर की छोटी मोटी चीज़ें गड़बड़ हुई रहती हैं, तो हम अपने आप ना बड़े संभाल के यूज़ करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है ब्राउन ब्रेड के साथ में सैंडविच, और मैंने डाला है अपने सैंडविच में टमाटर भी, बट हस्बैंड के में वेजिटेबल जो डाली हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रख के डाली हैं, टमाटर वगैरह नहीं डाला। और मौसम चेंज हो रहा है तो टेस्ट भी चेंज हो रहा है, वेजिटेबल्स भी चेंज हो रही हैं और फ्रूट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो मैं लाई हूँ करेला, करेला बहुत यम्मी लगता है, गर्मियों में काफ़ी आता है, और आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी शूट करूँगी आपके साथ में, शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने करेले को छील लिया है, छीलने वाले चाकू से छीला है जिससे छिलका थोड़ा मोटा मोटा उतरे, उसके बाद में इसको गोल गोल काट लिया है, छिलकों को अलग रखा है, गोल गोल पार्ट यानी कि करेले को अलग रखा है, और इस सब में नमक मिला के रख दूँगी। नमक मिलाने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों, जितना भी कड़वा पानी होगा वो निचुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पर इतना मैं प्याज कट करूँगी तो इतना कड़वाहट ये सब छोड़ देंगे करेले। तो यहाँ पर इस तरह से प्याज काट के मैंने पानी में डाल लिया जिससे कि आँखों में मिर्ची ना लगे, आग जले नहीं, इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में मैंने काट ली है प्याज। और अभी प्याज को मैंने कट करके रखा है, करेला मैंने वो करके रख लिया है। यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वॉश हो गए थे, तो इनको फैला लेते हैं, फिर आगे ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अगर भी आप मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हैं दोस्तों और कम ऑयल में खाना बनाना पसंद करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, सरसों का तेल, उसमें जीरा हींग डाला और उसके बाद में लंबे लंबे कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, इनको अच्छे से फ्राई करेंगे हम लोग। इसके बाद मैंने थोड़ा मसाला लिया है, मेरे पास एक्चुअली ना वो कूटा हुआ जीरा नहीं धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कूट के डाल दिया, तो उस पर धूप लगा के पीस के रखना है, और थोड़ी सी सौंफ भी कूट ली थी उसके साथ में, तो सौंफ और धनिया दोनों डाला। उसके बाद हरी मिर्ची डाली है, तो इसको हम फ्राई कर लेंगे और यहीं पे हम मसाले डाल देंगे, मतलब प्याज को भी मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया है,
है ना, साथ साथ में मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि ऑयल में मॉइस्चर हमें रहने देना है, मॉइस्चर को सुखाना नहीं या इनको लाल नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, उसके बाद में थोड़ा नमक डालूँगी और अब इनको अच्छे से भून लूँगी, है ना, क्योंकि करेला ये जो हमारा पकेगा ना, ये इसी प्याज की नमी के साथ पकेगा। तो यहाँ पे जो मैंने करेला का छिलका निकाला था उसको भी मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी हाथ से दबा के। तो देखो पानी सा निकल गया ना, नमक लगाने का ये फ़ायदा हुआ, तो वो कड़वा पानी निकल गया, उसको हम निचोड़ देंगे तो सारी कड़वाहट निकल जाएगी। और इसी तरह ये जो करेला है बचा हुआ, इसको मैं निचोड़ के अच्छे से टाइट हाथ से निचोड़ के देखो कितना पानी निकल रहा है, सब कड़वाहट निकल रही है इसकी, कड़वा पानी निकल जाएगा। और इसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, प्याज के साथ में फ्राई कर लूँगी। इस तरह से फ्राई करना है, तो एक दो सेकंड आपको चला देना है और उसके बाद में इसको ढक्के में पकाऊंगी। इस तरह से करेला बहुत यम्मी बनता है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है ना। तो प्याज अभी बिल्कुल भी प्याज के अंदर मॉइस्चर है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मेंशन करूँगी, आप यहाँ पे थोड़ा खट्टा डाल सकते हो, खट्टे के लिए अमचूर पाउडर या आम डाल दो, ऑयल थोड़ा सा बढ़ा लो, बट मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए वो नुकसान करता है, तो मैं इसी तरह बनाऊँगी। आज तो भाई आखिरी एग्ज़ाम था, बच्चे खुश हैं, डांस करते हुए आ रहे हैं, सक्षम का लास्ट एग्जाम, सक्षम हैप्पी है, सक्षम हैप्पी, लास्ट एग्जाम था, मस्ती आ गई, तो छुट्टियां स्टार्ट। बच्चों के लास्ट एग्जाम की खुशी बच्चे ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। हंसी साहब तो मजे आ गए, पढ़ाई की टेंशन नहीं, सक्षम कहाँ गया, छिप गया, अरे किचन में क्यों छुप रहे हो बच्चे, आ जाओ बाहर, चलो आओ कपड़े चेंज करो फिर, अच्छा बेटा जल्दी आओ बाहर, यहाँ छुप रहे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, जल्दी खड़े हो जाओ, आ जाओ मम्मी के पास। कैसा हुआ आपका एग्जाम सेक्शन? डग्गू कैसा? डग्गू कैसा? अच्छा हुआ। बच्चे जब स्कूल से आते आते उनको लगती है जोरदार भूख, तो आते ही मैंने उनको एक ग्लास दूध दिया, कपड़े इन्होंने चेंज किए हैं और आज मैंने जो लंच बनाया है तो मैंने सारी तैयारी करके रख दी थी, आटा लगा हुआ रखा है, गिले गर्म गर्म रोटियां बनाऊंगी और आज मैंने बनाया है लंच में, अभी आपको लंच गर्मियों का, और खूब सारी अच्छी सैलड वगैरह तो मजा आता है। यहाँ पे टेस्टी टेस्टी आलू टमाटर की सब्जी बनाई है मैंने और इधर बना है करेला। ये करेला बहुत यम्मी बनता है, देखने में भी ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, और ऐसा देखने में ब्लैक लग रहा है लेकिन इतना ब्लैक है नहीं, लेकिन करेला बहुत यम्मी बनता है, इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई करना दोस्तों। मैं शौक से खा लेती है करेला, है ना, और आलू टमाटर तो सक्षम को शौक है, तो मैंने ये सोच के उसके लिए आलू टमाटर बनाए थे, और हस्बैंड बाहर कर रहे हैं फोन पे बात, और मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए गर्मा गर्म रोटियां और हम लोग करेंगे लंच, है ना, और थोड़ा सा अब थोड़ा रूटीन चेंज करेंगे, है ना, जैसे बच्चों के साथ में थोड़ा थोड़ा घूमने जाना, आपने बहुत दिनों से ब्लॉग्स में देखा नहीं होगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिटी या क्या, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है हस्बैंड के काम की वजह से, लेकिन जैसे कि आसपास में कहीं, है ना, बिल्कुल ही बंद हो रहा था, इवनिंग में हम लोग बाहर चले जाते थे वो भी बिल्कुल बंद कर रखा था बच्चों की पढ़ाई की वजह से, और थोड़ा एंजॉयमेंट गेम वेम खेलना, बैडमिंटन खेलना, तो इन चीजों को थोड़ा सा शुरू करेंगे। गर्मी आ गई है, सक्षम ने आज एक ओल्ड सी टी शर्ट पहन ली जो बाहर पड़ी हुई थी, है ना, आज एक्चुअली ना मैंने ये वाली टी शर्ट सक्षम की यूनिफॉर्म के नीचे पहना के भेजा था, है ना, मैंने यही पहन ली, जिससे थोड़ी थोड़ी मतलब मॉर्निंग में ठंडा भी नहीं रहता, अभी बहुत गर्म भी नहीं रहता, हल्की हवा चलती रहती है ना, तो डर लगता है बच्चों को कोल्ड ना हो जाए, इसको बहुत खांसी हो रही थी कुछ दिन पहले होली के बाद, क्योंकि ये उसमें पड़े रहे, पूल में पड़े रहते हैं बच्चे पूरे टाइम होली के, वो मैंने शूट नहीं किया था आप लोगों के साथ में, फ्रेंड के यहाँ पे पूल लगा हुआ था ना, रायन के यहाँ, तो वहाँ थे और श्रीजा का स्टार्ट हो गया टीवी, या पता नहीं इसकी क्या क्या प्लानिंग है गर्मियों की, और आते ही श्रीजा की और मेरी थोड़ी थोड़ी सी नोक झोंक सी हो गई, श्रीजा बड़ी हो रही है, श्रीजा को थोड़ा समझाना रहता है मुश्किल, तो श्रीजा नाराज हो गई मम्मी से, हाँ श्रीजा की टेंशन के कारण पता बड़े अजीबोगरीब रहते हैं, जैसे कपड़े पता नहीं क्यों रहते हैं, और ये बहुत बुरी तरह मेरे से नाराज है, अब मैं इसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी तभी ये खाएगी। हाँ क्या हो गया श्रीजा? और देखो श्रीजा को पता है मैं जब भी कुछ लाती हूँ ना यार, मैं नहीं कोई भी मम्मी को, आप देखो बेटियों से एक ऐसा अटैचमेंट होता है मम्मी को कि अगर माँ अपने लिए कुछ लेने जाती है तो चीजों पे नजर रहती है, बेटी के लिए तो ऐसे ही आ जाता है, तो श्रीजा के लिए भी जब भी मेरा, यहाँ तक कि कभी जैसे कोई आ रहा है मेरा यूट्यूब का, तो मैं सोचती हूँ श्रीजा के मतलब की चीजें भी मंगा लूंगी, फिर भी ना उन्हीं चीजों को लेकर इसको नाराजगी रहती है, और छोटी सी बात पे हम दोनों भी नोकझोंक हुई थी एक्चुअली, इसने आके मेरी टी शर्ट पहनी, मैंने कहा श्रीजा नहीं मेरी नहीं पहनो, बच्चों के पहनने के तरीके में और बड़ों के में अंतर होता है ना, और थोड़ा साइज का भी इशू होता है, ये थोड़ी पतली है तो इसको थोड़े ढीले आते हैं वो कपड़े, और अपनी टी शर्ट पहनी नहीं होती है, नाराज नाराज घूम रही है, तो इसको मनाना पड़ेगा, सच उनका मुंह खुला रखा है श्रीजा ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
ऐसा तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूंगी। कल के एक प्यार से ब्लॉग मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय टू फैमिली। बस थोड़े बात कम करो तो इसमें आज ब्लूटूथ चला रखा था तो ये टीवी से डिस्कनेक्ट हो गया, ब्लूटूथ इसमें स्पीकर है, इसकी बैटरी लो हो गई बेटा, इसको पावर ऑफ करो, खुद हो गया वो। तो ये पावर ऑफ हो गया, ये है जिसको मैं कह रही थी ना, मैंने वाईफाई कनेक्ट कर रखा था और ब्लूटूथ चल रहा था, मेरे गाने चल रहे थे फोन से कनेक्ट हो, मैं गाने सुन रही थी, गाने सुन सुन के इसकी बैटरी हो गई खत्म। ये तो 5-7 मिनट में चार्ज कर देगा टीवी से, है ना, और इसका टीवी से ही चार्जर अटैच हो जाता है। ये सक्षम उनके पापा, सक्षम के पापा नहीं, मेरे हस्बैंड ना, ये इसको अपने लैपटॉप में लगा लेते हैं, कभी कभी गाना चला लेते हैं जोरदार, है ना, तो उससे चल जाता है। अब थोड़ा सा तो हंसते हैं, खुली रहेगी, हंस के दिखाइए मम्मा। तो इनको मनाने का कोई आइडिया बताओ फ्रेंड्स कि हम इनको मना पाए कैसे, इनके लिए क्या करें। अभी मैं इसके लिए कुछ खाने की चीज बना दूं ना, अभी ये सबसे पहले आएगी भागी भागी, मम्मा मम्मा, और देखो मुंह हंसी तो इसको आ रही, सक्षम सक्षम घुस घुस रहते इसके। यार छुट्टी जरूरी है, पहले दिन ही लड़ाई, पहले दिन टेंशन, झगड़े शुरू कर दिए गुड्डू ने, तो लड़ाकू बन चुकी है बस अब, मारना लड़के को मेरे, नहीं खड़े होएगा इसके आगे जिससे इसको पैर मारे, ये ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगे। दूर फोन दिखाना, नहीं मैं अपनी वीडियो एडिट करूंगी, करें सबको, चलो दोस्तों फिर कोई नहीं कर रहा, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, मान गई लगता है, बाय, कपड़े ना उतार, बाय कर दो, बाय बाय।